Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का testbook.com के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुशील और ये हमारा CHSL के लिए एक सेशन है जिसके अंदर हम 19 मार्च 2020 को जो CHSL 2019 का तीसरे दिन के जो पेपर हुए थे उसके जो तीन शिफ्ट के क्वेश्चंस थे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। करीब करीब तीन पेपर, पूरे 75 क्वेश्चन अगले दो घंटे में हम करने वाले हैं। पूरे दो घंटे सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। तीन पेपर की प्रैक्टिस आपकी यहाँ हो जाएगी, ना एक ना दो, पूरे तीन पेपर मैं यहाँ पर पूरे सॉल्व करवा दूंगा आपको। और जिन भी स्टूडेंट्स का कल से CHSL का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उनको अभी शुरुआत में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने एग्ज़ाम के लिए। भगवान करे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आपकी मेहनत सफल हो और आप अपनी मेहनत के अनुसार स्कोर बना पाएँ और नौकरी हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, यही सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? बस लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सेशन को। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है आपके सामने, चलिए आंसर दीजिए। और देखिए, दो घंटे में अगर 75 क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना तेजी से आंसर देते रहिएगा क्वेश्चन के, ताकि हम अपने फिक्स टाइम में, जितना टाइम हमने लिया है उसमें ये सारे क्वेश्चंस कर सकें। करिए इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़िए और पढ़ना स्टार्ट करिए। बस देखिए क्या बोल रहा है, 10 2x - 19.5 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 2y + 19.5 थीटा, ठीक है? तो आपको कोसेक एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी थी। तो आप ये जानते हैं कि जब टेन ए बराबर कॉट बी होता है तो ए प्लस बी 90 डिग्री होता है, ठीक है? तो भाई ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 19.5 प्लस में 2y प्लस में 19.5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है? तो 19.5 से, अरे ये माइनस का आना चाहिए था यहाँ पे, माफ कीजिएगा, ये माइनस का आएगा। तो 19.5 से 19.5 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो यहां से x प्लस में y बराबर 2 कॉमन लेके डिवाइड कर लेंगे, 45 आ जाएगा। और कोसेक 45 की वैल्यू आप सब जानते हैं क्या होती है, अंडर रूट 2 होती है। तो आंसर आ जाएगा रूट 2। बनाइए पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में और हो सके तो एक टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। और ज्यादा स्टूडेंट्स को बुलाइए, इनवाइट करिए, जोड़िए। आज हमारी कोशिश है कि 200 से ज्यादा स्टूडेंट अगर हमारे साथ जुड़ सके। तो अगला क्वेश्चन करिए, ये बताइए जल्दी से। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा के साथ पहले 4 किलोमीटर को 15 मिनट में कवर कर लेती है, अगला 8 किलोमीटर ऊपर है, मतलब धारा के विरुद्ध जाना पड़ेगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड से दोगुनी है, मतलब जो धारा के साथ वाली गति है वो धारा के विरुद्ध की गति से दोगुनी है। तो यात्रा की औसत गति ज्ञात करनी थी। अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, जल्दी से करिए, मैं करवाता हूं फिर। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। देखिए इसने कहा धारा के साथ 4 किलोमीटर 15 मिनट में, तो अगर 4 किलोमीटर 15
15 मिनट में तय कर दिया, 15 मिनट का मतलब है 1/4 घंटे, 1/4 आवर, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी स्पीड क्या होगी 16 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड से दोगुनी है, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हैं, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अगला 8 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, तो 8 किलोमीटर 8 की गति से कितने घंटे में कवर करेगा, 1 घंटे में कवर करेगा। तो भैया आपने 4 किलोमीटर जमा में 8 किलोमीटर, टोटल 12 किलोमीटर तय किया, पहला वाला जो है वो 1/4 घंटे में तय किया और अगला वाला जो है वो 1 घंटे में तय किया। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 12 गुणा में 4, बटे में आ जाएगा 4 और 1 5, समझ रहे हैं बात को, 12 चौक 48, 48 बटे में 5, ये आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, जल्दी से बताइएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। क्लियर है यहां तक, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समूह में 46 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, जब 2 महिलाओं की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, महिलाओं की आयु का औसत वर्षों में क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई, 46 लड़कियां थी 46, आपने 2 और महिलाओं को शामिल कर लिया, टोटल सदस्य कितने हो गए 48, और 48 सदस्यों की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, हो गई, यानी टोटल 96 साल की वृद्धि हो गई। इसका मतलब उन जो नई महिलाएं आई हैं उनकी उम्र 16 साल और 16 साल तो है ही, साथ में 96 साल अतिरिक्त है, 16 16 32 32 और 96 को आप जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 128 आ जाएगा, 128 हाँ या ना, 128 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि सिर्फ महिलाओं की औसत आयु कितनी है, महिलाओं की उम्र का योग है 128, महिलाएं हैं 2, तो उनकी औसत आयु हो जाएगी आपकी 64 साल, 64 ईयर्स। तो बिना ज्यादा कैलकुलेशन के आप इस तरीके से इतने आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताइए 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB को एक बाहरी बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त तक खींचा गया है, यदि कोण OAB 30 डिग्री है तो कोण APB का मान क्या होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और इसकी प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत बार पेपर में पूछा जा रहा है, ये आपका हो गया OA और ये हो गया OB, ठीक है, यहां पे बिंदु आ गया O, सॉरी ये तो P बिंदु है, यहां पर बाहर जो है ये P बिंदु है, माफ कीजिएगा P है, सेंटर है O आपका, ये O हो गया आपका, अब उसके बाद OAB दे रखा है 30 डिग्री का, तो OAB ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है APB, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल 2x होता है तो ये वाला एंगल x होता है, हमेशा ये उसका आधा होता है, हाफ होता है उसका, समझ रहे हैं बात को। ये 30 डिग्री का है अगर, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री बनाइए, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ऑलवेज ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। सेशन को इसी तरह प्लीज लाइक और शेयर करते रहिए, 170 बच्चे पहुंच गए हैं, 200 तक पहुंचाना है हमें इसको। देखिए अब ये क्या कह रहा है, यदि n एक संपूर्ण संख्या है जिसे 12 से विभाजित करने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो 7n+25 को 21 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए 12 से भाग करने पर 6 शेषफल प्राप्त होता है,
तो आप नंबर क्या मान लेंगे? 18। बहुत ही सिंपल सी बात है, 18 को 12 से भाग करेंगे तो 12 पे 12 कट जाएगा, 6 शेषफल बच जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एन की वैल्यू 18 हो गई। अगर एन की वैल्यू 18 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 गुणा में 18 और प्लस में 25। अब इसको आपको 21 से भाग करना था, 21 से भाग करना था। देखिए बहुत ही आसान सा है, पूरा ही सॉल्व करके कर लीजिए। 17 8 126, 18 7 126 होता है, 126 में 25 को जोड़ेंगे 151 आ जाएगा, 151 अपॉन में 21। इसको 7 से भाग करेंगे, जब 7 से गुणा करेंगे तो 147 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 4। बनाइए, आराम से कर सकते हैं आप इसको। थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे भी कर सकते हैं कि जब 12 से भाग करने पर पिछले वाले में शेष शेषफल बच रहा है तो इधर 7 से उसको गुणा कर दिया तो 12 के अंदर 3 का मल्टीपल होगा और 7 उसके अंदर है ही आपका, समझ रहे हैं बात को? तो पूरा का पूरा वो जो नंबर है वो तो भाग हो जाएगा आपका, और 25 को ही डायरेक्ट भाग कर सकते थे आप, सिर्फ 25 को भी भाग करके निकाल सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसके ऊंचाई का 1/3 भाग है, 1/3 ध्यान दीजिएगा, और एक अर्धगोले के आयतन बराबर हैं, तो शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? अब देखिए शंकु यानी कोण 1/3 πr², आप r को r ही मान लीजिए, आर स्क्वायर इंटू में एच आना चाहिए, एच जो है वो उसका 3 गुणा होगा तो एच को लिख लीजिए 3r, ये बराबर है 2/3 πr³, इसको r क्यूब कैपिटल मान लीजिए। देखिए पाई से पाई तो हमेशा कटना ही होता है, आप ना भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहां पर आपका आ जाएगा r स्मॉल क्यूब अपॉन में r कैपिटल क्यूब इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या का पूछा है तो ऊपर हमारा ये शंकु है और नीचे हमारा ये अर्धगोला है, हेमिस्फीयर, आप दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2^3 ratio 3^1/3 जो कि आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बनाइए जल्दी से, 200 पार पहुंचाइए इसको। ओके सुरेंद्रा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, बट आई डोंट थिंक, मतलब मुझे लगा नहीं था, आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत आएगी, मुझे लगा था कि नॉर्मल सी हिंदी है आप समझ जाएंगे, बट कोई बात नहीं, अब आपने बोला है देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। लाइक इन दिस क्वेश्चन इट्स गिवन दैट द रेडियस ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, सो वी पुट द फॉर्मूला ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर एंड देन वी लेट द रेडियस ऑफ द कोन एज आर, देन हाइट विल बी 3 ऑफ आर, समझ रहे हैं, एंड कैपिटल आर वी हैव कंसिडर्ड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 1400 रुपए के अंकित मूल्य पर क्रमशः 30% और 20% की दो क्रमागत छूट देता है, यदि दुकानदार दो क्रमागत छूट के बजाय एक छूट देना चाहता है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? देखिए 30% एंड 20% सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर वो एक ही देना चाहे तो कितना परसेंट होगा? देखिए आप सब जानते हैं फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100%, 30 प्लस में 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन में 100%, आप सब जानते हैं इसको, ठीक है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा एंड 30 और 20 50 माइनस 3 दूनी 6, 50 में से 6 चला गया कितना आ जाएगा 44%। बनाइए 44%।
नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे पता है ज्यादातर क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो एक आध क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा जिसमें मुझे लगेगा कि हो सकता है आपने ये कहीं प्रैक्टिस ना किया हो, इसकी वजह से आपको दिक्कत आए कहीं पेपर में, उसको मैं अलग से इंपॉर्टेंट लिख के मार्क करता रहूंगा, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम से कम 2-3 बार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसमें आपसे बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर फ्रॉम पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी में उसने रेडियस नहीं दे रखी है, उसने हिंदी में रेडियस वो देना भूल गया है, हिंदी वाले रेडियस पढ़ लीजिएगा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ, और ये पूरा डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। उसके बाद कह रहा है ओसी और ओडी जो है वो पैरेलल हैं पीए और पीबी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, इसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है लेंथ ऑफ कोड एबी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, आपको सीओडी की वैल्यू बतानी थी, सीओडी की वैल्यू बतानी थी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए ऐसा है भाई कि अगर आप इसको ओ को ए से जोड़ेंगे, ओ को ए से जोड़ने के लिए मैंने बोला है आपसे, तो यहां पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ये जो एंगल है पी ए ओ ये 90 डिग्री का बनेगा, और ये अगर 90 डिग्री का बनेगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, आपका एंगल सी ओ ए ये 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल लाइंस हैं आपस में, और ये इनके अल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद आप जोड़िए ओबी को, उसके बाद आपने जोड़ा ओबी को, बहुत ध्यान से प्यार से देखते चलिए, ओबी को जोड़ा, ओबी को जोड़ते ही ये आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। कौन सा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा? PBO, और PBO 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इधर से आपका एंगल हो जाएगा DOB, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। अब आ जाइए इस वाले एंगल पे, अंदर वाले एंगल पे, इसने कहा था रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो जो ये आपका ट्रायंगल AOB बन रहा है उसकी हर एक साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है, इसलिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, इसलिए आपका एंगल ए ओ बी वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का आ जाएगा। ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 90 और 90 180 और 60 240, तो 360 डिग्री पूरा बनेगा, तो जो आपका एंगल सी ओ डी हो जाएगा वो 120 डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का, बनाइए आंसर आ गया 120 डिग्री का। जल्दी से थोड़ा सा और सेशन को शेयर कर दो, और भाई देखो ये बहुत ही गलत बात है आपकी कि 198 स्टूडेंट्स लाइव हैं, देख रहे हैं सेशन को, और मात्र 90 स्टूडेंट्स ने लाइक किया है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आपको पसंद नहीं आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो देखिए लाइक कर दीजिए प्लीज, ऐसा मत करिए। एक टीचर अपने एप्रिसिएशन के लिए ही तो काम करता है कि भाई हाँ उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा अगर उसके स्टूडेंट्स उसे सेटिस्फाई होंगे, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां तक कोई डाउट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपको वैल्यू बतानी थी ए प्लस सी बराबर बी की। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए बराबर में 0 है, तो ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों बराबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 होता है, तो ए बराबर बी बराबर सी होता है। अब ए बी सी जब बराबर ही हैं तो आप इनके कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ये तो सेम ही आएगा आंसर, 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 2, बनाइए।
इसका आंसर आप कुछ भी कर लीजिए, हमेशा दो ही आएगा इसका आंसर, ऑलवेज द आंसर विल बी टू। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक सामान्य ब्याज पर 8 साल में निश्चित राशि 7 गुना हो जाती है तो कितने सालों में ये 19 गुना हो जाएगी। ए सर्टेन सम बिकम 7 टाइम्स इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 19 टाइम्स। देखिए 1 से 7 हो जाती है, 7 गुना हो जाती है, कितने साल में? 8 साल में। आप ये देखिए ब्याज कितने रुपए का लगा? 6 रुपए का लगा। 6 रुपए का ब्याज कितने साल में लगा? 8 साल में लगा, समझ रहे हैं? अब उसने ये कहा कि कितने गुणा करनी है? 19 गुणा करनी है, 19 टाइम्स, यानी ब्याज कितने रुपए का लगना चाहिए? 18 रुपए का लगना चाहिए। अगर 6 रुपए का ब्याज 8 साल में लगा तो 18 रुपए का ब्याज 8 या 24 साल में लगेगा। बनाइए आंसर है 24 ईयर्स। नोट करिए, कैसा लग रहा है सेशन, कैसा चल रहा है जल्दी से बता दीजिएगा। स्पीड फास्ट तो नहीं है, स्लो तो नहीं है, कोई क्वेश्चन आपका स्किप तो नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना बोल के चला जा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बता दीजिएगा। ये प्योर एसएससी के क्वेश्चंस हैं, सीएचएसएल 2019 के। अगर आसान लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आसान आए थे। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो फिर आपको सीखने की जरूरत है। बाकी मुश्किल है नहीं, देखो पर्सनल मैं बता रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? ए इज इक्वल्स टू 2b/3, बी इज इक्वल्स टू 2c/3 एंड सी इज इक्वल्स टू 2d/3। आपको बी और डी का रेशियो बताना था। देखिए क्या करेंगे, यहां से आप रेशियो बना लेंगे, ए और बी का रेशियो है 2 और 3, बी एंड सी का रेशियो है आपका, ये भी 2 और 3 है, और सी और डी का रेशियो है ये भी आपका 2 और 3 है। आपको बी और डी का रेशियो बताना था, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, जब बी निकालना है तो यहां से पहला नंबर काट के इधर से एक नंबर उठा के इनको गुणा कर लो, 3 × 2 × 2, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। और जब डी निकालना है तो सिर्फ लास्ट के नंबर को गुणा कर लो, 3 × 9 = 27। ये आ गया आपका रेशियो, लेकिन ये फ्रैक्शन में पूछ रखा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12/27, 3 से काटेंगे 4/9, आंसर आ जाएगा 4/9, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बनाइए बी, तो बी ऑप्शन आंसर है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है? कोई डाउट है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। ये बताइए, अगला सवाल करिए इसको। इसमें कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 cot theta + 13 cos theta। अब देखिए आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5, 5 × 12 = 13, एक ट्रिपलेट होता है, बेस आ गया 5 आपका। तो 2 cot theta, तो 2 × में cot, cot क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है आपका 5 और परपेंडिकुलर है 12, ठीक है? और प्लस में 13 × cos theta, बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस है 5 और हाइपोटेनस है 13 आपका, ठीक है? ये इससे आपका 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 35/6। बनाइए आंसर है।
सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है आनंद और रवि 12 दिन में काम को पूरा करते हैं, रवि और चिन्मय 16 दिन में करते हैं, और चिन्मय और आनंद 48 दिन में करते हैं, तो रवि अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा भाई, 12, 16 और 48, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 48, तो यहाँ पे 4 आ जाएगी एफिशिएंसी, यहाँ पे 3 आ जाएगी और यहाँ पे 1 आ जाएगी एफिशिएंसी 1 आपकी। इसको टोटल करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, 4 और 3 7 और 1 8, और 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सबकी टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 4, क्योंकि सब दो दो बार इस्तेमाल हो रखे हैं। आपको रवि का निकालना है, रवि का निकालना है तो चिन्मय और आनंद की जो एफिशिएंसी उसको माइनस कर दीजिए, लास्ट वाली है 1, 4 में से 1 को आप माइनस करेंगे 3 आ जाएगी, ये अकेले रवि की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो 48 वर्क को वो 3 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, 16 दिन में कर देगा, आंसर आ जाएगा 16 डेज। बनाइए ये भाई, देखो यार चैट में ना ये फालतू के पर्सनल कमेंट बाजी मत करो एक दूसरे के ऊपर, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। सेशन को लाइक और शेयर करते रहेगा। अगले क्वेश्चन में ये देखिए, एक परीक्षा में सी को बी से 25% कम अंक प्राप्त हुए, यानी बी का और सी का आप रेशियो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 4:3, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से 1 कम, बी से कम प्राप्त हुए, तो 4 से 1 कम यानी 3 अंक प्राप्त हुए। उसके बाद ए को सी से 20% ज्यादा प्राप्त हुए, सी से यानी 5 से 1 ज्यादा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ए और बी के अंकों के बीच का अंतर 36 है, तो बी के अंक बताने हैं। देखो पहले इसको 3 को 5 से गुणा कर लो, 5 को 3 से गुणा कर लो, रेशियो सही बना लो, सी कॉमन है, सी को सेम कर लो, तो यहाँ भी 5 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 20, ये 15 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा और ये 15, यानी सी की वैल्यू है आपकी 15, ए की 18, बी की 20, तो ए और बी के बीच में अंतर कितना है 2, 2 की वैल्यू है 36, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 18, तो आपको बी के अंक बताने थे, तो 20 यूनिट की वैल्यू 18 के हिसाब से कितनी आ जाएगी, 360 आ जाएगी, 360। बनाइए कोई डाउट है यहां तक। देखिए अगला ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा भी क्वेश्चन है। 2 sin 22 अपॉन में cos 68, cos 68 ऊपर चला जाएगा, secant 68 हो जाएगा, और आप सब जानते हैं रूल, sin A into secant B will be 1 इफ A+B is 90 degree, तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस में, अब इसमें आ जाइए 10 ऊपर चला जाएगा, cot बन जाएगा, cot A into cot B will be 1 इफ A+B is 90 degree, सो ये तो 1 हो जाएगा, सिर्फ 2/5 बच जाएगा, ठीक है। माइनस अब इस पे आ जाइए, 10 45 1 होता है, 10 20 एंड 70 ये 1 हो जाएगा, 40 50 ये भी 1 हो जाएगा, 8/5 बचेगा, 8/5 बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा कितना, 2 माफ कीजिएगा, आप यहाँ पे एलसीएम ले लो इनका, 5 आ गया, ये 10 आ गया आपका, माइनस में 2 माइनस में 8, माइनस 2 माइनस 0 आ गया आंसर आपका, कट ही जाएगा, ये आंसर ही 0 आ जाएगा। बनाइए करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे जी CHSL में। थोड़ा और लाइक और सेशन कर दो, थोड़ा और पुश कर दो सेशन को, 242 स्टूडेंट्स तक हम पहुंच गए हैं, 300 तक पहुंचा दो इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 1/5 भाग को BC के समानांतर
खींची गई एक रेखा डीई द्वारा इस प्रकार काटा जाता है कि डी जो है वो एबी पर है और ई जो है वो एसी पर है। अगर बीसी 10 है तो डीई की वैल्यू आपको बतानी थी। अब देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। ये आपका हो गया ट्रायंगल ए बी सी और ये आ गया आपका डी ई, ठीक है। तो 1/5 भाग, मतलब ये ऊपर वाला जो एरिया है ये 1 है और पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो 5 है, तो नीचे वाले का 4 बचेगा। मतलब ये नॉर्मल सी वैसे ही लिख दिया हमने, कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर इनका ट्रायंगल 1 और 5 है ना, तो इनकी साइड्स का रेशियो उनका अंडर रूट 1 और √5 में हो जाएगा। ऊपर वाले की साइड अगर 1 है तो नीचे वाले की साइड √5 हो जाएगी। अब उसने कहा बीसी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर बीसी 10 सेंटीमीटर है तो आपको डीई की वैल्यू बतानी थी। बीसी की वैल्यू जो है वो √5 के बराबर हो जाएगी। √5 की वैल्यू है 10, तो 1 की वैल्यू बतानी है। 1 की ही वैल्यू हम बताएंगे, 10/√5। आप इसको काटेंगे ये आ जाएगा 2√5। बनाइए, आंसर है 2√5। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये बताइए, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 5 cot θ = 3। तो देखिए यहां से आपके कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5 और टेन थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 5/3, उल्टा हो जाएगा। अब आप इसको क्या करिए, जो ये रिलेशन आपको दे रखा है ऊपर नीचे दोनों को कॉस से डिवाइड कर लीजिए। कॉस से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 6 × tan θ − 3 अपॉन में 7 × tan θ + 3। 10 की वैल्यू है 5/3, यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 × 5/3 − 3 अपॉन में 7 × 5/3 + 3। तो देखिए ये 2 पे कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 में से 3 चला गया, 7 × 7 = 35, 3 × 3 = 9, 35 और 9 = 44, 44 और 3 ऊपर आ जाएगा आपका 21/44, 21/44 आंसर आ जाएगा। बनाइए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा यहां तक। ये अगला क्वेश्चन बनाइए, एक व्यक्ति 3,000 रुपये मूल्य पर सूचीबद्ध एक वस्तु खरीदता है और 15% और 20% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह अपनी लागत मूल्य का 5% परिवहन पर खर्च करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर वस्तु को बेचना चाहिए? देखिए कैलकुलेटिव सवाल है थोड़ा सा। पहले आप ये देख लीजिए 15 और 20, ये कितना प्रतिशत का डिस्काउंट बनेगा? 15 × 20 माइनस में 20 से 100 5 पे कट जाएगा, 5 से 15 3 पे कट जाएगा, ठीक है। 15 और 20 = 35 − 3 = 32% का डिस्काउंट बनेगा, ठीक है। तो यानी वो 3,000 रुपये की वस्तु को कितने प्रतिशत पे खरीद लेता है? 68% पे खरीद लेता है, 68% पे खरीद लेता है। अब वो उस पर 5% का खर्चा भी कर देता है, यानी वस्तु जो है वो उसकी 105% हो गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब 25% का लाभ कमाना है तो 125/100 पे बेचना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं? बस इसको कैलकुलेट करना था। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गई। अब उसके बाद देखिए 25 से ये आपका 4 पे चला गया, ये आपका 5 पे चला गया, 5 से ये आपका 2 पे चला गया, नीचे बच गया 4 × 2 = 8 और ये 2 से ये भी आपका कितने पे चला गया, 34 पे चला गया, ठीक है। तो देखिए ये बच गया आपका, 105 × 3 करेंगे 315 आ जाएगा,
और गुणा में 34 आ जाएगा और बटे में बच गया 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। ये 2 से भी कट जाएगा 17 पे, 17 पंजे 85 का 5, 8 17 एकम 17 और 8 25 का 5, 2 17 तीन 51 और 2 53 बटे में 2 आ जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 2 पे चला गया, फिर 6 पे चला गया, फिर 7 पे चला गया, फिर 7 पे चला गया और 5 पे 2677 रुपये 50 पैसे आंसर आ जाएगा। बनाइए। मैथ्स में 25 में से 25 के 25 अटेम्प्ट होने चाहिए मनोज यादव, 25 के 25 अटेम्प्ट होंगे तब कहीं जाके बात बनेगी। ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इन 40 मिनट्स, इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर देन द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 50 मिनट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका पेपर में पूछा जा रहा है और बच्चों को इसका एक अच्छा तरीका भी नहीं पता होता है, वो कई बार बहुत कैलकुलेटिव इस तरीके को, इस मेथड को करने लग जाते हैं। ठीक है, हाँ 150 प्लस स्कोर ही सेफ रहेगा आपका। आप सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज, मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं। कह रहा है ट्रेन स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी 40 मिनट में तय करती है, यदि ट्रेन की गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है तो उसको समान दूरी तय करने में 50 मिनट का समय लगता है, यानी 10 मिनट बढ़ गए आपके। समझ रहे हैं बात को, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए, एक बार उसको लगते हैं 40 मिनट और एक बार उसको लगते हैं 50 मिनट, इसका रेशो बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 4:5, ये आपका टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, 5:4। समझ रहे हैं बात को, यानी स्पीड कितने से कम कर दी, 1 से कम कर दी, 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां वाला टाइम लीजिएगा 50 मिनट, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 मिनट में तय करती है, 50 बटे में 60 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, कितना किलोमीटर दूरी हो जाएगी उसके बीच में, 20 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। बनाइए। क्लियर है, अगला क्वेश्चन ये बताइए, ए रेज टू द पावर 4 प्लस 1 बाय ए रेज टू द पावर 4 बराबर कितना है, 34 है, तो आपको ए माइनस 1 बाय ए की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इससे आप निकाल लेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर, दो जोड़ के अंडर रूट कर देंगे 6 आ जाएगा, माइनस का निकालना है 2 माइनस करके अंडर रूट कर देंगे रूट 4, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। बनाइए आंसर, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भाई 135 से 40 अगर यहाँ के मॉक टेस्ट में हो रहा है तो वहां पर इससे ज्यादा ही स्कोर होगा, टेंशन मत लीजिए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, त्रिभुज एबीसी में ओ केंद्रक है एवं एडी बीई सीएफ तीन माध्यिकाएं हैं और त्रिभुज ए ओ ई का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज ई सी डी ओ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, ए बी सी, ये डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ए ओ ई का क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ओ ई ये है 20, ठीक है। चतुर्भुज ई सी डी ओ, ई सी डी ओ इसका क्षेत्रफल, तो देखिए इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा, ये सारे पार्ट्स का 20 होगा एरिया आपका 20, तो 20 प्लस में 20 एरिया कितना हो जाएगा 40। बनाइए अगला क्वेश्चन, करिए ये बताइए, इसमें कह रहा है पी माइनस वन बाय पी है आपका रूट सेवन, ये रूट सेवन है भाई, तो पी क्यूब माइनस वन बाय पी क्यूब बताना था, तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट सेवन का होल क्यूब प्लस 3√7 हो जाएगा, ये 7√7 आ जाएगा प्लस 3√7 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 10√7। बनाइए आंसर है। ये सारे के सारे आपके रियल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, अगर आसान लग रहे हैं तो इसका मतलब पेपर में आसान ही आए थे, अगर थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं तो आपको मतलब अभी और बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रिकी है नहीं, बिल्कुल आसान ही है। और आप ये भी देखते रहिएगा कि आपका कितने क्वेश्चंस का उत्तर सही आ रहा है। आज मैंने DI को हटा के टोटल 68 से 70 क्वेश्चन इसके अंदर सेट किए हैं, लास्ट में सबसे पूछूंगा किसका कितना स्कोर बना था, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 11:15 के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि अनुपात 2:3 हो जाए। अब देखिए ऑप्शन उठा लो, सबसे बढ़िया तरीका तो यही रहता है, ठीक है। 11 में से 2 घटाओगे तो 9 बन जाएगा, 15 में से 2 घटाओगे तो 13 बन जाएगा, नहीं बनेगी बात। 11 में से 3 घटाओगे 8 बन जाएगा, 15 में से 3 घटाओगे 12 बन जाएगा, ये बन गया भाई आपका 2:3। लीजिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। रूट सेवन का क्यूब करेंगे तो रूट सेवन को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 7√7 ही तो बन जाएगा। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर हो सके तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में और एक टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिए प्लीज।
चलिए अगला क्वेश्चन करिए। सेशन में पहले मिनट से कौन कौन जुड़ा हुआ है और आखिरी मिनट तक कौन कौन जुड़ा रहेगा बताइएगा। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई से दोगुनी है, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बनाते चलो साथ साथ में। तो जैसे अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 2x है तो इनकी लंबाई 4x और 4x है, दोगुनी है प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और समान परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखिए हमें तो यहां से निकालनी पड़ेगी इसकी हाइट, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 16 माइनस में यहाँ पे हाइट डाल देंगे आप और यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, 4 × 16 माइनस में एक्स यानी √15x आ जाएगी इसकी हाइट, इसकी जो हाइट है वो √15x आ जाएगी और परिमाप इसका हो जाएगा 4 × 4 = 8 × 2 = 10x। तो 10x परिमाप जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा उसकी साइड आ जाएगी 10x/3। इनका अनुपात बताना था तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू में 2x इंटू में √15x और इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका एरिया हो जाएगा √3/4a² यानी 10x/3 इंटू 10x/3। तो x से x और ये x से x कट जाएगा आपका, ये 2 से 2 कट जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बचेगा √15 और यहाँ पे क्या बचेगा देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 तो इससे कट जाएगा 25 पे और 3 × 9 तो ये बचेगा √3, 9 इधर आ जाएगा आपका √3 इंटू में 25 कुछ ऐसा बचेगा। इसको सॉल्व करिए, ये 3 से √3 से ये 3√3 पे कट जाएगा तो 15 × 3 = 45 √45 और कितना बचेगा इधर 25। √45 को आप क्या लिख सकते हैं 3√5 तो 3 × 9 √5 और 25 आ जाएगा। अब ये देखिए सारे 100 में दे रखे हैं तो दोनों तरफ 4 से गुणा करना पड़ेगा, 9 × 4 = 36 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बनाइएगा। बहुत बढ़िया भाई, 233 बच्चे लाइव हैं और 231 लाइक्स हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये बताइए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है जो रेडियस है वो है 6.5 और 5.5 और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, सेंटर के बीच में डिफरेंस है 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं? तो आपको बताना था लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर यानी 225 आ जाएगा माइनस में R1 + R2 का होल स्क्वायर होता है, 6.5 प्लस में 5.5 करेंगे ये आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को? यहां से इसको आप माइनस करेंगे तो 144 को इसमें से माइनस करेंगे तो 121 आएगा, ये 11 आना चाहिए आपका, 11 आना चाहिए, इसमें ऑप्शन सही नहीं दे रखे, आप देखिए एक बार सॉल्व करके 11 ही आंसर आएगा ना। अच्छा ये माफ कीजिएगा, इसमें 81 आएगा, 225 माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे 144 तो ये 81 आएगा आपका, 9 आएगा आंसर, बनाइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताइए क्या कह रहा है। ए एक काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेता है, इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से दोगुनी है अगर आधा समय लेता है तो, और सी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी 1:3 में है, उससे 3 गुना समय लेता है, जब समय 3 गुना लेता है तो एफिशिएंसी उसकी 3 गुना होगी सी की, ठीक है। वे एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि काम को पूरा करने के लिए 1800 रुपये मिलते हैं तो सी को कितना मिलेगा, एफिशिएंसी के हिसाब से ही बटेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6, तो ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2, 1 एंड 6। आप टोटल करिए 2 और 1, 3 और 6, 9। 9 की वैल्यू है 1800 के बराबर, 1 की वैल्यू आ जाएगी 200 के बराबर, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 200 के हिसाब से 1200 के बराबर, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। अच्छा, सी का प्रतिदिन का, ये 5 दिन में काम करते हैं तो सी का प्रतिदिन का जो वेतन होगा वो 240 रुपये आ जाएगा, टोटल 1200 है, 5 दिन काम करेगा तो रोज कितना मिलेगा, 240 रुपये। बनाइए, मुस्कान वर्मा जी मैं कमेंट पढूं या क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, मुझे ये बताइए, अगर मैं कमेंट पढ़ने लग जाऊंगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इतनी देर में, ठीक है। एक आपको अपनी अपनी पढ़ी हुई है, बाकी देखिए ना कितने सारे स्टूडेंट्स कमेंट करने लग रहे हैं, आंसर देने लग रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ अपनी अपनी पढ़ी हुई है। अब मैं एक स्टूडेंट के लिए सेशन खराब नहीं कर सकता ना। और आपको हर एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवाना होता है, तो आज ये क्वेश्चन रिपीट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। कल आपका पेपर है, आज आप एक इतने सिंपल इतने बेसिक क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवाने लग रहे हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी के अंतः केंद्र और परिकेंद्र क्रमशः आई और ओ हैं, रेखा एआई त्रिभुज एबीसी के परिकेंद्र को डी पर प्रतिच्छेदित करती है, यदि त्रिभुज एबीसी एंगल एबीसी 60 है, बीआईडी वाई है और बीओडी 40 है, तो एंगल वाई का मान ज्ञात करिए। आई एंड ओ आर इन सेंटर, इन सेंटर किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, एंड द सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर किससे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, द लाइन एआई प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट डी, इफ एंगल एबीसी इज 60, बीआईडी इज वाई एंड एंगल बीओडी इज 40, देन वाई, तो वाई की वैल्यू बतानी थी आपको। देखिए ए बी सी, तो यहां से एक तो आप ए आई को आगे बढ़ा लिया आपने, ये आई पॉइंट है और यहां पर ये तो आई पॉइंट है आपका, और यहां पर ओ पॉइंट मान लीजिए कोई, ठीक है। आई जो है वो आपका इन सेंटर है, वो एंगल बाइसेक्टर से मिलके बनता है, ओ जो है वो आपका सर्कम सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, और जो ये सर्कल बना हुआ है आपका, इसका सेंटर ओ होगा, ओ विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। आगे क्या कह रहा है, एंगल ए बी सी 60 है, तो ये एंगल ए बी सी आपका 60 डिग्री है, एंगल बी आई डी वाई है, तो देखिए जब बी से आई को मिलाएंगे आप तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है आपका, और बी आई डी आपका वाई है,
तो ये आपको फाइंड आउट करना ही है बाद में। और बीओडी 40 है, तो देखिए जब आप बी से ओ को मिलाएंगे, अब मैं इसको व्हाइट से बना लेता हूं, बी से ओ को मिलाएंगे बीओडी, ये अगर आपका 40 डिग्री का है, सेंटर पे बड़ा एंगल अगर 40 डिग्री का है, तो उससे जो आपका सर्कमफ्रेंस पे बड़ा एंगल होता है वो आधा होता है, तो बी ए डी जो ये होगा ये 20 डिग्री का हो जाएगा, 20 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एंगल बी ए डी ये आपका 20 डिग्री का हो जाएगा, 20 डिग्री का, ठीक है। और एंगल ए बी आई ये आपका 30 डिग्री का है। तो जो आपसे एंगल पूछा गया है बी आई डी, जो कि आपका वाई है, ये जो एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एक्सटर्नल अपोजिट एंगल है ये आपका, भाई है विपरीत कोण, एक्सटर्नल एंगल है ये आपका। एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होते हैं, 30 और 20 50, तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा आपका, 50 डिग्री का। बनाइए, आंसर है 50 डिग्री। कोई डाउट है यहां तक, बोलेगा एनीबडी एनी काइंड ऑफ एनी डाउट्स? और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे CHSL के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं YouTube पे ऑलरेडी, आप उस पर भी आप देख सकते हैं बाकी चीजों को भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 5 संख्याओं का औसत 10.2 है, तो इसका आप अगर टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52.5 सबका, 5 संख्याओं का, 1 2 3 4 5 सारी संख्याओं का टोटल कितना आ गया, 52.5। आप टोटल कर लीजिए, नहीं 52.5 नहीं आएगा, फिफ्टी वन आएगा, 51 आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, पहली दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या का आधा है, हाफ है, और तीसरी और चौथी संख्या का औसत है 12.5, यानी तीसरी और चौथी संख्या, थर्ड एंड फोर्थ संख्या का टोटल कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा, इसका डबल कर लेंगे। और चौथी संख्या कितनी है, 13 है, अगर चौथी संख्या 13 है तो थर्ड नंबर 13 उधर चला जाएगा, थर्ड नंबर 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप यहाँ पे। अब उसके बाद क्या कह रहा है, पहली दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या का आधा है, तीसरी संख्या कितनी है 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तो पहली दो संख्याओं का, फर्स्ट एंड सेकंड, इसका जो एवरेज है वो 6 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड का टोटल है 12, थर्ड एंड फोर्थ का टोटल है 25, इन दोनों को आप ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा 37, सबका टोटल है 51, तो लास्ट वाला जो नंबर है उसको आप इसमें से माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा आपका 14। बनाइए, आंसर है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइएगा। थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दो भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिर रहे हैं, अभी तो पूरा 2 घंटे तक लेके जाना है आपको, अभी तो आधा भी पेपर नहीं हुआ, आधे क्वेश्चंस भी नहीं हुए अभी तो।
कविता पनवार जी, 12 ऐसे आया। आप देखिए ना, फोर्थ नंबर आपको दे रखा है 13, और थर्ड और फोर्थ का टोटल है 25, तो 13 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो थर्ड नंबर नहीं आ जाएगा क्या 12? चलिए ये अगला क्वेश्चन बताइए। प्रतिवर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्ष के बाद एक निश्चित राशि 12,550 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त देती है करती है। समान ब्याज दर पर 8 वर्ष बाद दोगुनी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, अगर 5 साल में 12,550 रुपए मिलते हैं तो 1 साल में कितने मिलेंगे? 2 पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, 0 पे। 1 साल में 2510 मिलेंगे। अब वो कह रहा है राशि का दोगुना हो गया तो ब्याज भी दोगुना मिलने लग जाएगा, और 8 साल में कितना मिलेगा गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 8 दुनी 16, 16 से 0 पे चला गया, 16 एकम 16 का 6, 1 16 85 और 1 81 का 1, 8 16 दुनी 32 और 8 40, 40,160 रुपए मिलेंगे। बनाइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये अगला क्वेश्चन देखिए। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनकी कॉमन टेंजेंट जो बाहर से टच करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 × r × r। आप सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो 2 × में ये आ जाएगा 8 × 6, 8 × 6 = 48। 48 को सॉल्व करेंगे, 4 बार आ जाएगा, 4 × 2 = 8, और ये आ जाएगा 8√3। और 8√3 को आप पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे 6 × 48 आ रहा था तो अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा, 7 × 2 = 14, तो 13 point something आ जाएगा, 13.86। बनाइए, पहले 5 साल बोला था, बाद में 8 साल का पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, ये अच्छा सवाल है। 10^4 + sin² = 1 है, और एंगल जो है वो 90° से ज्यादा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको cos² θ × cos θ + 1 की वैल्यू बतानी थी। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, cos³θ + cos²θ बन जाएगा। अब यहां से आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए ये क्या बनेगा आपका, आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, देखिए 10^4θ = 1 − sin²θ, क्या आ जाएगा, cos²θ आ जाएगा ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin⁴ and cos⁴, ये लिख सकते हैं, sin⁴ = cos² उधर चला गया, सॉरी cos⁴ उधर चला गया, तो cos⁴θ हो जाएगा। दोनों तरफ पावर 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, sin²θ = cos³θ। समझ रहे हैं बात को, cos³θ की वैल्यू अगर sin²θ है, ये वैल्यू अगर यहां रखेंगे तो sin²θ + cos²θ क्या होता है, 1, आंसर क्या आ जाएगा, 1। बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और
आप करिए इसको, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, ए प्लस वन बाय ए बराबर अगर 4 है तो आपको वैल्यू बतानी थी ए माइनस वन बाय ए की। देखिए आप जानते हैं ए माइनस वन बाय ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट इसका स्क्वायर माइनस में 4 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 में से 4 चला गया 12, रूट 12 हो जाएगा। रूट 12 को लिख सकते हैं 2√3, ये आंसर आ जाएगा 2√3। इसमें क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई में 18% की कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर कितने का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 10 माइनस 18 माइनस 10 गुणा में 18/100%। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, इसका 10 में से 18 गया, माइनस का 8 और माइनस का 1.8, तो ये माइनस का आ जाएगा 9.8, तो 9.8% डिक्रीमेंट आ जाएगा। बनाइए आंसर है, 2 घंटे की क्लास है भाई, पूरे 2 घंटे चलेगी, 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज। इसके अलावा आपके लिए जो ऑफर है वो भी सुन लीजिए एक बार। देखिए ये सफलता ऑफर आपके लिए चल रहा है, इसके अंदर आप रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस या जो भी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके सबके मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। और 100+ कोर्सेज के 6,500 मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में पास मिल जाएगा। और इसके अंदर 299 का जो आप पास लेंगे, इसके अंदर एक 3 महीने के लिए आपको गाना सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिलेगा। इसके अलावा सीजीएल, एसएससी सीजीएल लाइव कोचिंग 3.0, अगर आप मेरा एसएससी सीजीएल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या आप एसएससी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर, और मुझसे मैथ पढ़ना चाहते हैं जिसके अंदर बाकी फैकल्टीज भी बहुत कमाल कमाल की फैकल्टीज हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, चलने लग रहा है टेक्स्ट बुक के ऊपर, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए क्लास में, अगला क्वेश्चन करिएगा। और भाई देखो सेशन को थोड़ा सा और पुश कर दो, थोड़ा सा और लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को, ये अच्छा सवाल है, इसका आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। ये 2020 मार्च के क्वेश्चन है, यस।
तेजा, ये 2020 के क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से पहले कोई भी 7 स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, 300 पहुंचा दो लाइक्स की संख्या, 293 लाइक हो गए हैं, इसको 300 कर दो जल्दी से। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एक्स 3 - 2/x इज इक्वल टू 3/x, आपको x³ - 1/x³ की वैल्यू बतानी थी। यहां से आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x - x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3/x, इसको इधर लाएंगे इसको इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 3x - 3/x इज इक्वल्स टू 2, 3 कॉमन लेके डिवाइड कर लेंगे, x - 1/x बराबर आ जाएगा 2/3। अगर x - 1/x 2/3 है तो x³ - 1/x³ आ जाएगा 2/3 का होल क्यूब प्लस 3 × 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8/27 प्लस में 2, 27 × 2 = 54 और 8 62/27, 62/27, इसको भाग करेंगे तो 2 सही 8/27 आंसर आ जाएगा, 2 8/27 बनाइए आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच, आपने 300 प्लस लाइक्स पहुंचा दिए हैं इस वीडियो पर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, अब वापस जुड़ जाओ, खाना खा लिया आपने? मैंने तो खाया भी नहीं है, मुझे तो उतनी भूख तो नहीं लगी है, बाद में ही खाऊंगा मैं भी। हाँ अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक पुस्तक का लागत मूल्य 800 रुपये है, सेल में उस पर 30% की छूट दी जाती है, छूट पर बेचने के बावजूद भी विक्रेता को 5% का लाभ प्राप्त होता है, पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपये है, 30% डिस्काउंट मिलता है, 30% डिस्काउंट मिलता है तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 70, और उसके बाद भी सेल करने पे 5% का प्रॉफिट होता है, यानी मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 105, ये हो गया सीपी और ये हो गया आपका एमपी मार्क प्राइस, आपको मार्केट प्राइस बताना था। तो देखिए 70 की वैल्यू आपकी 800 के बराबर है, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 800/70, आपको वैल्यू बतानी थी 105 यूनिट की, 0 से 0 चला गया, 7 से काटेंगे 15 * 7 = 105, 15 * 8 = 120, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1200, बनाइए। ये सेशन हमेशा अपलोड रहेगा भाई, आज तक हमारे चैनल पे से एक भी वीडियो नहीं हटाई गई, आज तक नेवर। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, कह रहा है एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ का आधार क्षेत्रफल क्या है जिसका आयतन घन के आयतन से 175 सेंटीमीटर कम है और जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ क्यूब इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 175 सेंटीमीटर³ लेस देन दैट ऑफ द क्यूब हुज हाइट इज 32 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर क्यूब की साइड 15 है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 15 × 15 × 15 कितना आ जाएगा 3375 आ जाएगा, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है वो 175 कम है उससे, आप इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊंचाई है 32, इसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, 3200 है जिसमें हाइट आपकी 32 है तो एल इंटू में बी बराबर 32 नीचे चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100, और बेस एरिया यही होगा आपका एल इंटू बी, आंसर आ गया 100, बनाइएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
ये अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 40% वार्षिक ब्याज दर पर 32,000 रुपए का ऋण लेता है। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक और अर्धवार्षिक रूप से की जाए तो 9 महीने में लगने वाले ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा है भाई, 40% तो ब्याज की दर है और टाइम है 9 मंथ। एक बार जब क्वार्टरली होगा, तो टाइम हो जाएगा 3 साल, मतलब 4 गुना कर देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 4/2 यानी 10%। तो 10% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 33.1% होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, 33.1%, ठीक है। और अगर इसको करें हम हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक करेंगे तो टाइम 9 × 18 यानी 1.5 वर्ष हो जाएगा, 1.5 ईयर हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी आपकी 20%। समझ रहे हैं बात को, 20% से 1.5 साल में तो कितना होगा, 20%, और अगले साल होगा 10%, और 20 और 10 का निकालेंगे टोटल दर, आप निकाल लीजिएगा 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32% आएगा। तो 33.1 और 32 में 1.1% का फर्क है। ये 1.1% आप 32,000 का निकाल दीजिए, 1 1 अपॉन में 1 0 0 0 इंटू में 32,000। 0 से 0 कट जाएंगे, 11 गुणा में 32 करेंगे, 11 × 22 2, 11 × 3 33 और 2 35, कितना आ जाएगा, 352। बनाइए, आंसर है। चलिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, सबको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। देखिए यहां पे आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3/8 दे रखा है, 3/8 दे रखा है। समझ रहे हैं बात को, तो आप क्या करेंगे ना, इसको पहले तो एक बार उल्टा करके लिख लीजिए, इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो साइन प्लस कॉस अपॉन में कॉस माइनस, सॉरी साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस बराबर में लिखा जाएगा 8/3। इसका रेशनलाइजेशन, सॉरी सीएनडी लगा दीजिए इसके ऊपर, सीएनडी, तो ये आ जाएगा आपका साइन अपॉन में कॉस इज इक्वल्स टू 8/3 11/5, और साइन और कॉस क्या होता है, 10 थीटा, तो 10 की वैल्यू आ गई 11/5। अब यहां रख दीजिए, 11/5 का स्क्वायर करके रखिए, 121/25 माइनस 121/25 प्लस में 1, समझ रहे हैं, तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 96/25 अपॉन में, ये आ जाएगा आपका 146/25 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 48 अपॉन में 73, 48/73, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करिए, बहुत प्यार से आंसर आ जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन करिए। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी ट्राई करिए और ये भी बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को किसी प्रकार का। देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। रेडियस है 5, डिस्टेंस है 13, तो जो टेंजेंट पड़ेगा वो, तो देखो यार डायग्राम भी बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसा बनेगा आपका इस प्रकार से, और ये है 5, ये है 13, और यहां पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, तो ये आ जाएगी 12। 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता है, आंसर आ जाएगा 12। बनाइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आने लग रहे हैं आपके। चलिए ये बताइए अगला सवाल। बीच में थोड़ी सी बफरिंग हुई होगी, होपफुली अब नहीं हो रही होगी बफरिंग, मैं उम्मीद करूंगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, वह न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या जिसको 5 6 7 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए, लेकिन वो 9 से भाग हो जाए, तो आपको क्या करना है, 5 6 7 8 का एलसीएम लेना है। पहले तो एलसीएम लेंगे तो उसके अंदर देखिए 8 का मल्टीप्लिकेशन जरूर आएगा, उसके अंदर 7 जरूर आएगा, 6 में से उसके अंदर 3 जरूर आएगा, 2 ऑलरेडी आ चुका है, और 5 जरूर आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए 8 5 40 और 7 3 21, 21 4 84, तो कितना आ जाएगा 840, 840 और 3 आपका रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन बात इस पे बनेगी नहीं, 9 से पूर्णतः भाग होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए सारे जो नंबर हैं वो 1600 के आसपास हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अगर 840 नहीं है तो उसका दुगना होगा, यानी 1680 और प्लस में 3 कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1683, 1683 को भाग करने पे आएगा 3 रिमाइंडर, और इसके अलावा 9 से पूर्णतः भाग भी हो जाएगा, आप करके देखिए 6 और 1 7 और 8 15 और 3 18, तो आंसर आ जाएगा 1683। बनाइए। बिल्कुल ये बात भी ठीक है आपकी, लेकिन मैं ऑप्शन के बेस पे नहीं करवाता हूँ, मैं पूरा सॉल्यूशन करवाता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस को देखने वाला जो तरीका होता है उसको मैं ज़्यादा सही नहीं मानता हूँ। अभी अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे होते तब भी तो आपको करना पड़ता ना, अगर 2 ऑप्शन आपके डिवाइड हो रहे होते तो भी तो करके देखना पड़ता आपको। अगला क्वेश्चन करिए, ये बताइए अगला सवाल। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के 2 कोण 4:5 में हैं और इन 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी जो तीसरा कोण है वो 4 और 5
नौ हो जाएगा एक प्रकार से। सबसे छोटा कोण बताएं, देखिए सबका जोड़ कर लो, चार और पाँच नौ, नौ और नौ अठारह, अठारह की वैल्यू है 180, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10, तो सबसे छोटा कोण चार यूनिट, चार यूनिट की वैल्यू 10 के हिसाब से 40 आ जाएगी। बनाइए, आंसर है। अभी तक जिस जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, अभी तक भी जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए अगला, 13 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, दोनों रेखाएं अगर केंद्र के एक ही तरफ हैं तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए ऐसे बना लीजिए इसको, जो रेडियस है वो 13 है, ये भी 13 है, जो ये वाला आपका कोण है ये 24 होगा तो ये 12 और 12 हो जाएगा, और जो ये वाला नीचे वाला जो कोण है आपका वो होगा 10 तो ये 5 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये येलो वाला, ये तो हो जाएगा आपका 5, और नीचे वाला 13 5 ये पूरा हो जाएगा आपका 12 12, तो सिर्फ नीचे नीचे का कितना बचेगा 7, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 7 यूनिट हो जाएगी। बनाइए, भाई देखिए पिछले बहुत दिनों से हम CHSL के पेपर करने लग रहे हैं, कम से कम कितने 10 से 15 दिन हो गए। ठीक है, मैं आप सभी जितने भी CHSL देने जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो सफल हों अपने लक्ष्य की प्राप्ति में। और राहुल शुक्ला, लीजिए आपका नाम ले दिया, राहुल शुक्ला ने बोला है मेरा नाम लीजिए, राहुल शुक्ला, राहुल शुक्ला लीजिए, एक बार और ले दिया राहुल शुक्ला। तो जितने भी स्टूडेंट हैं भाई बहुत मेहनत की है आपने, भगवान आपको सफलता प्रदान करे, बहुत अच्छे से पेपर दे के आइएगा, बहुत ठंडे दिमाग से पेपर दे के आइएगा, सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद GS को अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद इंग्लिश को अटेम्प्ट करिएगा, और उसके बाद लास्ट में मैथ को अटेम्प्ट करिएगा। मैथ अगर आसान आएगा तो आपका टाइम बच जाएगा, इसलिए रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपको थोड़ी भी दिक्कत देते हैं उनको एक बार के लिए स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं ऐसी कामना करूँगा कि आपका पेपर अच्छा हो, सफल रहें आप। अभी वैसे आधे घंटे का सेशन बाकी है, और पेपर होने के बाद सभी, मतलब जैसे मान लीजिए आपका कल पेपर है तो शाम का सेशन या फिर उससे अगले दिन के सेशन में जुड़िएगा, और उससे अगले बार के सेशन में जुड़ के प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके आप ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपका सेशन कैसा, आपका पेपर कैसा हुआ, और हमारे मैथ के सेशन की वजह से आपको कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, आलिया का नाम लो, आलिया कौन है भाई, कैंडी बॉय। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, कह रहा है 10 अंकों की संख्या है ये इससे विभाजित है, तो भाई ये देखिए 8y2, सबसे पहले तो 8 से भाग होनी चाहिए, 8 से भाग होने के लिए यहां पर y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी यहां पे y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू आप जब 3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब उसके बाद 11 से भाग होना चाहिए, 11 से करने के लिए 1 और 3 4, 4 प्लस में x 4, 4 x, 4 प्लस में x 9, और 4 और 5 9, 9 और 3 12, तो ये आपका आ गया 12 प्लस में x। और अगला नंबर देखिए 2, 2 और 0 2, 2 और 5 7, 7 और 8
15 और 2 17, ये कितना आ गया आपका 17। माइनस करेंगे तो इसको माइनस का 5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपको 5 रखनी पड़ेगी तब 0 बनेगा। 5x मतलब 5 पंजे 25 प्लस में xy की वैल्यू 3 यानी 15, और 25 प्लस में 15 आंसर कितना आ जाएगा 40। बनाइए आंसर आएगा 40। हाँ भाई देखिए, जो कल पेपर आएगा उसके क्वेश्चन अगर बाहर आ जाएंगे और आप मुझे अगर उसके क्वेश्चन भेज देंगे तो मैं ज़रूर उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन करिए, ये बताइए कॉस की वैल्यू है, कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। देखिए कॉस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर, तो -1/2 जो होगी ना वो 240 डिग्री पर होगी, ये ध्यान रखिएगा। 180 डिग्री जोड़ दो उस पे जाके होगी 240 डिग्री, ठीक है। तो 240 डिग्री यहां पुट करेंगे तो 2 × 240, कॉट तो उसके अंदर पॉजिटिव होता है, तो 10² 60 आ जाएगा, और 10² 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 3 cosec 2x, तो 3 × cosec नेगेटिव आएगा लेकिन स्क्वायर है, फर्क नहीं पड़ेगा। cosec 60 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये 3 × 3 = 6 प्लस में 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 2 = 4, आंसर कितना आ जाएगा 10। बनाइए, भाई आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, क्वेश्चन तो इस तरीके से जूम नहीं हो पाएंगे बीच सेशन में। ये क्वेश्चन बताइए अगला, इसमें ये कह रहा है आपसे त्रिभुज एबीसी के भीतर एक वृत्त अंकित किया गया है, ये भुजाओं एबी बीसी और एसी को पीक्यूआर पर स्पर्श करता है, बीपी 5.4 है, क्यूसी 7.3 है, एआर 6.1 है, तो एबीसी का परिमाप मैंने आपको बताया था, इसको जोड़ के आप 2 से गुणा कर दीजिएगा, वो आंसर होता है 5 और 7 = 12 और 6 = 18, 18.4 and 3 = 7 प्लस में 1 = 8, 18.8 इंटू में 2 कर देंगे तो 18 × 2 = 36, 37.6 आ जाएगा, 37.6। बनाइए, ये आंसर है आपका। क्लियर है यहां तक? ये यस्टरडे के क्वेश्चन नहीं है, ये अगला पेपर है लेकिन सेम क्वेश्चन ही आए हुए थे। अब कल वाले ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमारा 36 आया था अगर आपको याद हो, आज आंसर 37.6 है, याद आ रहा है क्या? चलिए ये क्वेश्चन बताइए, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:5 और उनकी ऊंचाई का अनुपात है 5:3, तो त्रिभुज ए बी सी के आधार से त्रिभुज पी क्यू आर के आधार का अनुपात क्या होगा, बताइए। देखिए आप सब जानते हैं क्षेत्रफल का अनुपात 4:5 है, तो ऊंचाई का अनुपात अगर 5:3 है तो बेस का अनुपात, बेस ऑफ ए और बेस ऑफ पी क्यू आर, आप एरिया का रेशो रख दीजिए यहां पे 4 और 5, 3 × 12 5 × 25, ये आ जाएगा
12 बटे में 25 आंसर आ जाएगा, 12:25 बनाइए। और ये भी ध्यान रखिएगा 25-12 भी दे रखा है, 25-12 नहीं होगा, 12-25 होगा, बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, x बराबर है 2 - √3, तो x³ - 1/x³ बताना था। तो देखिए x - 1/x बराबर हो जाएगा 2 - √3 - 2+√3, तो ये माइनस का 2 आएगा ये तो कट जाएगा आपका, माइनस का 2√3 बन जाएगा, क्यूब करेंगे तो -2√3 का होल क्यूब + 3 × -√3 ये आ जाएगा। इसका क्यूब करिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और ये आ जाएगा 3√3, 8 × 3 = 24, -24√3 -3 × 6√3 ये आ जाएगा -30√3, बनाइए -30√3 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 5:7 है, यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए 300 किलोमीटर 3 घंटे में, तो गति कितनी है 100, तो 5 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू 20, 7 की वैल्यू आ जाएगी 140, बनाइए आंसर है 140। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, कह रहे 2 विद्यार्थी ए और बी एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, ए बी से 8 अंक अधिक अर्जित करता है, यदि पहले विद्यार्थी के अंक उनके अंकों के योग का 55% है तो ए और बी द्वारा अर्जित किए गए अंक। तो देखिए ए और ए प्लस बी, यहां पर है आपका 11/20, मतलब 55% है ना, तो 11/20 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 11 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, टोटल है 20 आपका, तो इनके अंकों में डिफरेंस कितना है 2 का, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 11 × 44 और 9 × 36, 44 और 36 नंबर हो जाएंगे, बनाइए। अरे ये कल वाले क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ये उसके जैसे ही सेम क्वेश्चन है। आप देखिए कल ये क्वेश्चन था क्या, आप बताइए अब क्या कल ये क्वेश्चन था। सेम सेम से क्वेश्चन है, एक ही जैसा पेपर आया था, सेम शिफ्ट के हैं ये, मतलब सेम डे के अलग अलग शिफ्ट के हैं ये। ये क्वेश्चन बताइए, ए बी सी 4, 20 और 60 दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर वो उस काम के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, 4, 20 और 60
एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है, 60 का एक तिहाई यानी कितना 20 काम। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 1, यानी टोटल कितना आ जाएगा 19। तो इसको आप फाइंड आउट करेंगे, एक सही 1/19 आंसर आ जाएगा, 1/19 फोर्थ ऑप्शन होगा आंसर। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये तो आप कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताइए, कह रहा है y का x प्रतिशत 150 है और z का y प्रतिशत 300 है, तो x और z के बीच का संबंध बताइए। ये देखिए नया क्वेश्चन है, ये था ही निकल के पेपर में। x बाय 100 ऑफ y इज इक्वल्स टू 150 एंड y बाय 100 ऑफ z इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। यहां से आपका x इंटू y बराबर आ जाएगा 15,000 और y इंटू z बराबर आ जाएगा आपका 30,000, ठीक है। x और z के बीच में रिलेशन आपको बताना है, तो यहां से दोनों जगह से y की वैल्यू निकाल के आप बराबर रख दीजिए। y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15,000 बटे में x और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,000 बटे में z। ये इससे 2 पे कट जाएगा आपका, z ऊपर चला जाएगा, z इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, z बराबर 2x, बनाइए आंसर है। ये क्वेश्चन बताइए अगला, ट्रायंगल एबीसी में बी और सी के बाइसेक्टर जो है वो ओ पॉइंट पे मिलते हैं ट्रायंगल के अंदर। ओ जो है वो उसका इन सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का। अगर एंगल ए 132 डिग्री है तो बी और सी का मेजर आपको बताना था। तो बी और सी जो होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए होगा 132 बटे में 2, ये कितना आ जाएगा आपका 66। आप इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 156 डिग्री, 156, बनाइए। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए। देखिए 362 लाइक्स हो रखे हैं, क्या हम इसको 400 पे पहुंचा सकते हैं? क्या हम नंबर ऑफ लाइक्स को 400 पे पहुंचा सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, कह रहा है सेकेंट थीटा बराबर 3x है और टेन थीटा बराबर 3/x है, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए
तो ये आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर थीटा बराबर 9x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर लीजिए 10 स्क्वायर थीटा बराबर 9/x स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 9 कॉमन निकाल लीजिए, ये आ जाएगा x² - 1/x² बराबर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है, 9 नीचे चला जाएगा, 1/9, इसकी वैल्यू 1/9 रख देंगे, 9 × 1/9 आंसर आ जाएगा आपका 1। बनाइए। सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में, 80% सेम मिलेंगे बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है, 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि उनके पिता को भी सम्मिलित कर लिया जाए तब औसत 4 वर्षों से बढ़ जाएगी। पिता की आयु ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो 4 भाइयों की औसत आयु है 14 वर्ष, पिता को सम्मिलित कर लिया जाए तो 4 वर्ष से बढ़ जाएगी, यानी 5 सदस्यों की आयु 4 वर्ष से बढ़ जाएगी, यानी 20 साल ज्यादा है 14 से, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 34 साल। बनाइए। ये अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति इतने रुपए में खरीदता है, इतने रुपए में बेचता है, वाहन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई ये तो प्योर कैलकुलेटिव है, बस इसका इसका डिफरेंस निकाल के और परसेंटेज बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई एबी की 2 गुनी से 3 सेंटीमीटर कम है और एसी की लंबाई एबी से 9 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिभुज का परिमाप 34 है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताइए। तो देखिए ये कल वाले पेपर में भी सेम क्वेश्चन था आपका, वहां पे थोड़ा सा डाटा अलग था। ए बी सी ये दे रखा है आपको, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, बीसी की लंबाई ए बी की लंबाई से के 2 गुने से 3 कम है, तो ए बी की लंबाई मान लीजिए एक्स है तो उसका 2 गुना हो जाएगा 2x, उससे 3 सेंटीमीटर कम है, -3 कर दीजिए यहां पर, ठीक है। और एसी की लंबाई एबी की लंबाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है, एसी की लंबाई एबी की लंबाई से, यानी एक्स प्लस 9 हो जाएगा, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4x + 6, जिसकी वैल्यू है 34 के बराबर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर, तो सबसे छोटी वाली भुजा यही हो जाएगी एबी आपकी 7, आंसर आ जाएगा 7। बनाइए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दो भाई प्लीज। 383 हो गया है, 400 का टारगेट है हमारा, 400। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात है 7:5, दोनों में से 40 घटाने पर अनुपात इतना हो जाएगा, संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए 7:5 = 27, 17 इसका डिफरेंस है 2 से इसको गुणा कर दीजिए 54, 34 आ जाएगा। इसका डिफरेंस है 10 से इसको गुणा कर दीजिए 70, 50 आ जाएगा। डिफरेंस देखिए कितना है 16, 16 की वैल्यू है 40, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो दोनों संख्याओं का योग 70 और 5 = 120, 120 की वैल्यू 5/2 के हिसाब से ये 60 पे चला जाएगा, 60 × 5 आंसर आ जाएगा 300। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये भी आप जानते हैं, ट्रिपलेट बनता है तो ये जो आपका रूट एक्स का क्यूब का रूट रूट एक्स का क्यूब रूट है ये आपका 2 के बराबर होगा, तो एक्स बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बनाइए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो एक्स और 2x 3x प्लस में 2x 5x प्लस में 7 और 8 15 और 3 18 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18/5 जो कि आ जाएगी माइनस 3.6 आंसर है। बनाइए। जिन जिन का कल एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 6 × में ये इसको आप कॉट को 10 में चेंज कर देंगे, सेम थीटा का बन जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। माइनस में यहां पे ये 1 होता है तो ये 2/3 बन जाएगा। माइनस में 3 × में ये आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो 3 × में y आ जाएगा बराबर में y/3 हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा आपका, इसको आप माइनस कर लेंगे, 6 × 18 में से 2 गया, 16/3 बराबर y/3 प्लस में 3y, ये आ जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, ये उधर चला जाएगा, 3 से 3 कटी जाएगा आपका, 16/10 बराबर में y आ जाएगा, 8/5 पॉजिटिव रहेगा, प्लस का ही आएगा 8/5। बनाइए। कल किस किस का एग्जाम है आप में से, अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है एक शर्ट पर 25% की छूट दी गई, महिला ने नगद खरीदी उस पर 20% की अतिरिक्त छूट मिली, फिर एक और 10% की छूट मिली, 405 का भुगतान किया, तो यानी x का यहाँ पे 25% की छूट यानी 3/4 का भुगतान किया, 20% की छूट यानी 4/5 का भुगतान किया, 10% की छूट यानी 9/10 का भुगतान किया, और ये 405 रुपये के बराबर है। ठीक है, देखिए 4 से 4 कट गया आपका, 9 × 3 = 27, पहले 9 से काट लो, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 15 पे चला गया, 50 उधर चला गया, 15 × 75, 750 आंसर आ जाएगा, 750। बनाइए। जिन जिन का भी एग्जाम है ऑल द बेस्ट सभी को, चलिए अब ये क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था, ऐसा क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया था, लास्ट क्वेश्चन है ये, खत्म भी हो गया हमारा सेशन इसी क्वेश्चन के साथ। चलिए आप बताइए इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, इसका बताइए जल्दी से। कल वही होगी, शाम को 6:30 बजे क्लास, कल शाम को 6:30 बजे क्लास होगी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनका भी
आज सॉरी कल पेपर है, वो सभी क्वेश्चन निकाल के लाएंगे और मुझे क्वेश्चन भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कितने ठीक हुए आपके। कल की क्लास 6:30 बजे है। देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया था जब ऐसा होता है तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू में सी होता है। और अगली इक्वेशन क्या है, बी की पावर पी बराबर ए की पावर एम और इंटू सी की पावर एन। तो यहां से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और एन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एम एन पी की वैल्यू 211 है, तो 2 1 1 और जमा में 3, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 4 और 3 7, आंसर कितना आ जाएगा, 7। बनाइए। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए इसी के साथ सेशन खत्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अंत तक जुड़े रहे। कल पेपर बहुत अच्छे से करिएगा, सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। सबसे पहले रीजनिंग करिएगा, उसके बाद जीएस को करिएगा, उसके बाद इंग्लिश को करिएगा और उसके बाद मैथ को करिएगा, जो आपका ये सीएचएसएल का जो पेपर है इसके अंदर बता रहा हूं। रीजनिंग को मैक्सिमम 15 मिनट में खत्म करिएगा, जीएस को मैक्सिमम 5 मिनट में खत्म करिएगा, इंग्लिश को मैक्सिमम 10 मिनट में खत्म करिएगा, मैथ के लिए 30 मिनट बचेंगे, बट ट्रस्ट मी आप 20 मिनट में ही खत्म कर देंगे इसको, 20 मिनट्स में खत्म कर देंगे, 10 मिनट्स आप बचा लेंगे अपने पेपर के लिए। उसके बाद आप रीजनिंग में देखिएगा कौन सा क्वेश्चन रह गया है, उसको ठीक कर लीजिएगा। जीएस में ज्यादा तुक्के मत लगाइएगा, ट्रस्ट मी ज्यादा तुक्के मत लगाइएगा। रीजनिंग में पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, मैथ में भी पूरे 25 अटेम्प्ट करिएगा और इंग्लिश में भी 22 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा जरूर। जीएस में ज्यादा से ज्यादा 15 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, अगर आपको आते हैं तो सारे अटेम्प्ट करिएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सभी को, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कल जुड़िए 6:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखिए, पेपर अच्छे से दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको सफलता प्रदान करें।